मुनव्वर ने लाया ईशा का असली चेहरा अंकिता के सामने, तो दूसरी ओर ईशा ने दी मुनव्वर को गेम से गायब करने की धमकी। जी हाँ, आखिर ऐसा क्या हो गया बिग बॉस के घर में कि अब ईशा और मुनव्वर में छिड़ गई है कोल्ड वॉर? क्या है पूरी खबर, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टेली न्यूज़ पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज बिग बॉस के घर में था नॉमिनेशन, जहाँ नॉमिनेशन में मुनव्वर ने ईशा को नॉमिनेट करते हुए ये बोला कि ईशा के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस नॉमिनेशन से घर वाले काफ़ी शॉक हुए हैं। जी हाँ, जहाँ एक और ईशा मालविया विकी से बात करते हुए आई नज़र और उन्होंने बोला कि मुनव्वर मेरे साथ फेस टू फेस तो बहुत अच्छा रहता है, मस्ती करता है, वहीं पीठ पीछे इसके मन में क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। जिसकी ओर दूसरी तरफ मुनव्वर अंकिता के सामने ईशा का असली चेहरा लाता है। जी हाँ, मुनव्वर बताता है कि किस तरीके से ईशा इतनी साफ झूठ बोल देती है, वो चीज़ों को चीखते चिल्लाते बोलती है ताकि लगे कि वो सच्ची है, असलियत में उसके बहुत ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और इस बात से कहीं ना कहीं अंकिता भी एग्री कर रही है। तो अब दिल वाले रूम में तो आ गई है फूट, जहाँ एक तरफ नील और ऐश्वर्या विकी और अंकिता से नाराज है, तो वहीं दूसरी ओर अब अंकिता और ईशा में भी अब कहीं ना कहीं फूट पड़ चुकी है। वहीं तीसरी ओर विकी और ईशा के भी रिश्ते अब ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि ईशा को विकी की असलियत पता चल गई है कि किस तरीके से पीठ पीछे विकी ईशा से बोलता है। तो अब दिल वाले रूम में तो काफ़ी कुछ हो रहा है, जहाँ दूसरी ओर दिमाग वाला कमरे में सभी लोग काफ़ी ज़्यादा जुट में बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ खड़े हैं। बाकी आपका क्या मानना है, ईशा कैसी है या फिर मुनव्वर, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल टेली न्यूज़ में।